हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एसएससी इंग्लिश सीरीज। इससे पिछली वीडियो में हम लोग 17 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। कुछ रूल्स हमने वहाँ पर डिस्कस किए एग्जांपल्स के साथ। आज हम कुछ और रूल्स और कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। ये इसकी लास्ट वीडियो है, मीन्स के ये सेकेंड पार्ट टू है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को ओपन करें और वीडियो को देखें, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस द क्लोथ्स फास्टर। फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं है बता देता हूँ। द न्यूअर टाइप इज योर सब्जेक्ट, और न्यूअर टाइप एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। आपकी जो वर्ब है वॉशेज, जब वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है वो उस वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है। याद रखिए, जब भी वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा वो उसकी सिंगुलर फॉर्म होती है। तो ये इसके साथ अग्री करती है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, तो कोई एरर यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। Each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester. अब यहाँ पर जो रूल है वो समझ लीजिए। थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं हम सेंटेंस को, क्योंकि घुमा करके पूछा हुआ है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। लगा था एग्जामिनर को इसको हम घुमा देते हैं कि स्टूडेंट्स कर नहीं पाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर जो देयर है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, हिज के साथ। अब ये रूल यहाँ पर क्या काम करता है फ्रेंड्स, वो समझने वाली बात है। कहते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, जब भी ईच ऑफ से हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट हमारा जब ईच ऑफ से स्टार्ट होता है और उसके बाद कोई प्लूरल नाउन आता है, मीन्स कि ईच ऑफ से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद जो नाउन आया वो प्लूरल आया, तो इसका मतलब वहाँ पर जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। तो यहाँ पर इन्होंने हैज को यूज़ कर रखा है, तो हमें कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर इनको हमें लगा कि कोई एरर नहीं है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर एरर है। यहाँ तो ठीक है हैज कर दिया, बट उसके बाद इन्होंने देयर को यूज़ किया है, मीन्स कि इसके प्रोनाउन के तौर पर इन्होंने देयर को यूज़ किया है। अगर वहाँ पर सिंगुलर हम लोग काउंट कर रहे हैं, वर्ब भी सिंगुलर है, तो फिर जो प्रोनाउन आएगा वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर। तो देयर की जगह पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हिज को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम हिज के साथ रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि उसके बाद जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव भी आना होता है स्टूडेंट्स, वो भी सिंगुलर ही आता है। तो देयर किसी भी एंगल से सिंगुलर नहीं है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए हमें दिया गया था। एग्जामिनर को लगा था कि घुमा करके पूछते हैं, शायद स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, लेकिन अच्छी तैयारी का यही बेनिफिट होता है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। ए वराइटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट्स एवरीबडी। ए वराइटी आपका सब्जेक्ट है, वर्ब जो भी आएगी वो ए वराइटी के हिसाब से आएगी, तो अट्रैक्ट यहाँ पर गलत है। इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, अट्रैक्ट्स, इसके बाद एस लगा देंगे और ये वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाएगी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। अब यहाँ पर भी फिर से देखिए, फिर से कन्फ्यूज करने वाला सेंटेंस आ चुका है, लेकिन हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर। अब हमने पता है, इसलिए पहले हम लोग सीख चुके हैं ये रूट की, नाइदर आइदर के बाद अगर ऑफ लगा हुआ है, देन उसके बाद फिर प्लूरल है, तो फिर वहाँ पर हम सिंगुलर काउंट करेंगे। लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगी या जो उसका उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा, जो उसके लिए एडजेक्टिव आएगा, जो कोई भी चीज़ उसके लिए यूज़ होगी, फिर वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी। और सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करने का मतलब होता है देयर की जगह पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, हिज यूज़ करेंगे। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। 9/10 ऑफ द पिलर। अब यहाँ पर एक रूल आप समझ लीजिए, स्टार्टिंग में ही वो चीज़ काउंट यहाँ पर हो जाती है। हैव जो है, हैव को हम लोग हैज से रिप्लेस करेंगे। क्यों करेंगे, वो एक इंटरेस्टिंग रूल है। तो हैव को रिप्लेस चलो हैज से तो कर दिया, लेकिन समझे तो सही कि क्यों किया। जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 1/10, 1/2, 1/4, ठीक है, इस तरीके जो फ्रैक्शन से हम लोग जब सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो रूल क्या कहता है, अगर आप सब्जेक्ट को फ्रैक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर है, उसके बाद ऑफ है, ऑफ के बाद जो नाउन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी। अगर फ्रैक्शन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर फ्रैक्शन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर उस फ्रैक्शन के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि पिलर्स अगर होता तो है वो हमारा सही ऑप्शन होता। अगर उस फ्रैक्शन के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, कोई अनकाउंटेबल नाउन है,
तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन उसके बाद जो नाउन आया है वो सिंगुलर काउंटेबल है, तो इस सिंगुलर काउंटेबल के लिहाज से यहाँ पर हम लोग हैव की जगह पर हैज को यूज़ करेंगे। आप याद रखिए फ्रैक्शन के बाद कैसा नाउन यूज़ हो रहा है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। 9th ऑफ द पिलर्स अगर होता तो हैव यहाँ पर राइट ऑप्शन होता। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, अभी वहाँ पर हम लोग हैज की जगह पर हैव को यूज सॉरी हैव की जगह पर हैज को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, वो ऐसे चलता है जैसे धरती उसकी है। जब भी कोई ऐसी अनरियलिस्टिक कंडीशन होती है, जब भी कोई ऐसी अनरियलिस्टिक कंडीशन आती है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रख के वहाँ पर जो वर्ब होगी वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, जब भी कोई ऐसी कंडीशन आपको दिखे जो कभी भी पूरी ना होने लायक होती है। चलिए, अनरियलिस्टिक कंडीशन के तौर पर अगर आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को उसकी वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे। इस रूल को आप याद रखें, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर। मैनी के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, मैनी प्लूरल को ही शो करता है, तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट वो रॉन्ग है। इसलिए यहाँ पर भी शायद कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी है एग्जामिनर ने, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट तो सब्जेक्ट ही आपको रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पर आपको अपनी वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज करना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज होगा, दिस इज योर राइट ऑप्शन या राइट आंसर हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, डू यू नो दैट इट वॉज हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हैज डन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे हैव डन के साथ, क्यों कर देंगे, डू यू नो इट वॉज आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई के लिए हु आया है, तो हु से पहले जिस प्रोनाउन के लिए उसका जो एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब होगी, तो आई के लिए हु आया तो जो वर्ब आएगी वो भी आई के अकॉर्डिंग आएगी, और आई के साथ हैज नहीं आता है, हैव आता है, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एंड इंटरेस्टिंग बुक। अगर किसी बुक का नाम आता है, किसी भी बुक का नाम आता है, आप उसको सिंगुलर में ही काउंट करेंगे हमेशा, चाहे कोई भी बुक का नाम है, चाहे गीता है, रामायण है, महाभारत है, कोई बुक का नाम आता है तो उसके बाद ओथेलो है, हेमलेट है, कोई भी बुक का नाम आता है, नॉवल का नाम आता है, आप उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, तो आर की जगह पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज यहाँ पर यूज़ करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इससे पहले हम लोग ऐसा रूल डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पर आपका सब्जेक्ट होता है कुछ, उसके बाद आप विद, अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ कोई और चीज़ उसके अंदर ऐड कर देते हैं, बट जो हमारी वर्ब होती है वो हमारे ओरिजिनल सब्जेक्ट के साथ ही जो है वो अग्री करती है, तो द प्राइम मिनिस्टर के लिए हम लोग यहाँ पर हैव की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, हैज, तो यहाँ पर आएगा हैज। कम टू द क्वेश्चन नंबर है हमारा 28, जी हाँ 28th क्वेश्चन है, क्या कहता है देख लीजिए, ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। बॉय को हम लोग रिप्लेस कर देंगे बॉयज़ के साथ, स्टूडेंट्स बॉय को रिप्लेस करेंगे बॉयज़ के साथ, क्यों करेंगे समझ लीजिए एक बार। वन ऑफ द प्लूरल क्या कहता है, रूल क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है वन ऑफ, ये हाँ वन ऑफ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, तो बाकी चीज़ें तो ऐड हो गई, वन ऑफ भी यहाँ पर आ गया, सिंगुलर वर्ब भी आ गई, लेकिन जो वन ऑफ के बाद प्लूरल सेंस आनी थी वो प्लूरल सेंस यहाँ पर नहीं आई, तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट में कमी है, सब्जेक्ट में गड़बड़ी है, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, तो बॉय को हम लोग क्या बना देंगे, बॉयज़ बना देंगे, क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल जो है वो नाउन यूज़ किया जाता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वेटिंग द चीफ गेस्ट। अरे वाह, एड यहाँ पर द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, अगर आपने द के साथ कोई चीज़ें जोड़नी है, दो सब्जेक्ट को जोड़ना है, अगर मान लीजिए उनमें से एक सब्जेक्ट के साथ आप द लगा रहे हैं तो फिर आपको उनको पैरेलल करना होगा, ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं,
पहले भी ऐसा रूल एक बार आया था हमारे सामने, तो द प्रिंसिपल अगर आपने यूज़ कर दिया तो स्टाफ के साथ भी आप लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट गड़बड़ में था उसको हमने ठीक कर दिया है, द स्टाफ, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, इसको पैरल कर देंगे दोनों के साथ ही हम लोग द यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस। अगर आपके सब्जेक्ट जुड़े हों, अगर आपके सब्जेक्ट जुड़े हों और से, तो वहाँ पर क्या रूल काम करता है समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग डिपेंड को डिपेंड्स के साथ जो है वो जोड़ देंगे। जब अगर हम लोग और के साथ दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं बीच में और लगा करके, जैसे और आवर फेलियर यहाँ पर हमने ऐड किया था, ये बीच में और है, तो रूल क्या कहता है, जो वर्ब होगी वो अपने सबसे नज़दीकी वाले के साथ जो है वो अग्री करेगी। अब डिपेंड हमारी यहाँ पर वर्ब है, अब डिपेंड के सबसे नज़दीक में आवर फेलियर आता है, आवर सक्सेस और आवर फेलियर दो सब्जेक्ट है, लेकिन डिपेंड से पहले जो सब्जेक्ट आया है वो आवर फेलियर है, तो जो वर्ब एग्री करेगी वो अपने नज़दीकी वाले सब्जेक्ट से एग्री करेगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे इसके बाद में, एस लगा देंगे और ये बन जाएगा डिपेंड्स। चाहे कोई भी सब्जेक्ट, अगर वहाँ पर प्लूरल होता और के बाद प्लूरल होता, आवर सक्सेस और आवर फेलियर्स होता, तो हम उस फेलियर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड को चेंज करते, तो जो भी नज़दीकी होगा उसके अगर और से ऐड किया है तो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, नाइदर द माउस नोर द लाइन, नाइदर द माउस नोर द लाइन, रिप्लेस वर विद वोज, हम इस वोज वर को वोज से रिप्लेस कर देंगे, ये जो वर है इसको वोज से रिप्लेस कर देंगे, क्यों कर देंगे, रूल क्या कहता है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड नाइदर नोर, नाइदर नोर से अगर सब्जेक्ट जुड़े हों तो वहाँ पर जो सबसे नियरेस्ट रहता है, जो सबसे उसके पास वाला रहता है उसके साथ जो है वर्ब एग्री करती है, तो पास वाला यहाँ पर ये वर्ब है, वो वर है, इसके पास था लोयन, तो लोयन सिंगुलर है, तो वर की जगह पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वोज यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो नियरेस्ट यही वाला था। क्वेश्चन नंबर 32, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, टाइम एंड टाइड दो अलग अलग चीज़ें हैं, वेट फॉर नो मैन, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों के लिए प्लूरल वर्ब आनी थी, अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ते हैं प्लूरल बन जाता है वो सब्जेक्ट, तो वो भी जो है वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, एज वेल एज से दो चीज़ों को हम जोड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, अब क्या किया जाए, क्वेश्चन नंबर 33 हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लाइक को रिप्लेस कर देंगे लाइक्स के साथ। व्हेन टू नाउंस एंड प्रोनाउंस आर जॉइंड बाई एज वेल एज द वर्ब अग्रीज विद फर्स्ट सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों एज वेल एज के साथ, तो जो पहले वाला मेन सब्जेक्ट रहता है, जो वर्ब है हमारी, वो उसके अकॉर्डिंग जो है यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर जो लाइक वर्ब है वो क्या बन जाएगी, लाइक्स, यानी कि एस लगा करके इसको सिंगुलर बना देंगे। इस बात का ध्यान रखें, एज वेल एज वाले कई सारे सेंटेंसेस जो है वो आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आप याद रखें, जब दो सब्जेक्ट हैं, भले ही दो हैं बट एज वेल एज से जोड़ रखे हैं उनको, तो पहले वाला जो मेन सब्जेक्ट था हमारा स्टार्टिंग में, उसके साथ यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब अग्री करेगी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, Neither of these two documents support your claim. Neither of these two documents support your claim. Replace करेंगे support को supports के साथ, यानी कि support plural verb है, इसको singular verb supports के साथ हम लोग replace कर देंगे। The structure should be, structure क्या रहता है, जैसे neither of और उसके बाद आए plural कोई noun, जैसे neither of यहाँ पर हमारा आया, neither of उसके बाद एक plural noun आया, उसके बाद क्या कहते हैं, जो जो वर्ब रहती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, मीन्स के सपोर्ट यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ एस लगा करके इसको सिंगुलर बना देंगे, तो सपोर्ट का क्या बन जाएगा, सपोर्ट्स, ठीक है, लास्ट में एस लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर 35, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम, अब ऐसा सेंटेंस ही पहले आ चुका है जहाँ पर अलोंग के साथ चीज़ों को जोड़ा जाता है, अब यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टाइजिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। अब कैप्टन अलोंग विद से टुगेदर विद से अगर चीज़ों को जोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर जो भी वर्ब होगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगी, और पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, द कैप्टन, तो
तो जो वो भी वर्ब आएगी आंख बंद करके वो द कैप्टन के अकॉर्डिंग होगी। अगर वहाँ पे ऑलरेडी सिंगुलर है तो ठीक है, अगर प्लूरल है तो उसको सिंगुलर बना दीजिए। तो आर को क्या बना देंगे, इज बना दिया जाएगा और आपका सेंटेंस ओके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ईच ऑफ द बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड, क्या रूल बनेगा समझ लीजिए। रिप्लेस कर देंगे प्ले को प्लेज के साथ, ईच ऑफ से अगर जुड़े हैं, वन ऑफ से अगर जुड़े हैं और उसके बाद वे प्लूरल नाउन है तो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर आएगी और प्ले का क्या बनेगा, प्लेज। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 36। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, मैंने सभी रूल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं सो दैट आप एग्जाम में आपको डिफिकल्टी ना हो। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा करके सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकती हैं और प्लीज़ वीडियोस को शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ, अपने ग्रुप्स में जो भी लोग आपके स्टडीज़ ग्रुप में हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं सो दैट उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।